अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। तो करना ठीक है, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ठीक है जी, राशन चाहिए तो डांस करके दिखाओ। गोशावाला में हिलाल अहमद के दफ्तर जाने वाले ख्वाजा सरा को राशन के लिए डांस करना पड़ गया। डांस देखने वाले मुलाजमीन ने नोट भी निचावर किए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूँ पाकिस्तान महंगाई ने गरीब तबके के लिए अजीब तूफान बदतमीजी बरपा किया हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज गैर यकीनी की जो सूरत हाल उससे दो चार है। डॉलर मुसलसल आपे से बाहर है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के गोलों ने, बिजली के बढ़ते निर के झटकों ने, गैस की आग मचोली ने आवाम को बकायदा बेहाल कर दिया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मेरे प्यारे भारतवासियों, आप तो अखंड भारत बना नहीं पाए, हिंदू राष्ट्र बना नहीं पाए, लेकिन जहालिस्तान के लोगों ने अखंड पाकिस्तान बना दिया। क्या 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 बैतलो बैतलो क्या क्या क्या? अब आप पूछोगे कैसे, इसकी वजह क्या है? तो देखें, 2025 T20 वर्ल्ड कप फाइनल श्रीनगर क्रिकेट स्टेडियम, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। टू ओपन द इनिंग्स फॉर पाकिस्तान, वी हैव टू लेजेंडरी बैट्समैन बाबर आजम एंड विराट कोहली। देखना आज तो विराट कोहली मैजिक लाएगा। विराट कोहली ना पहले इंडिया की टीम में होता था। कौन इंडिया? तो ये पाकिस्तानियों ने बनाया अखंड पाकिस्तान। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ताज़ा तरीन इंटरव्यू के अंदर ये बात कही है कि मुसलमान जो ग़ज़वा-ए- हिंद का ख्वाब देखते हैं उनका ख्वाब क़यामत तक पूरा नहीं होगा। तो रहे तो सिंह का बच्चा सिंह होता है, कीतर का बच्चा कीतर होता। मंच से ललकार के कहते हम राम के थे हैं और रहेंगे। तो ये पाकिस्तानियों ने बनाया अखंड पाकिस्तान। हो क्या रहा है भाई? और इस अखंड पाकिस्तान के अंदर रोटी भी खाने को नहीं मिल रही। आटा ना मिला मौत मिल गई, मुफ्त आटे के हुसूल की मासूम ख्वाहिश हुकूमत की नाहली के भेंट चढ़ गई। मैं कोई पुराना वीडियो नहीं दिखा रहा आपको, महीने दो महीने पुराना, या आज का वीडियो है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई चरम सीमा पे चली गई है, लेकिन ये बना रहे अखंड पाकिस्तान। क्या माचो उधर है सच्ची में? रोटी खाने को मिल नहीं रही है, लेकिन इनको करने भारत के 10 से 12 टुकड़े। 10 से 12 टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंडिया के 12 टुकड़े होंगे। रोटी खाने को मिल नहीं रही है, लेकिन इनको कराना है कश्मीर आजाद। बिल्कुल, हम इंशाल्लाह आजाद करवाएंगे। वो कहते हैं बिल्ली के ख्वाब में छितड़े छितड़े नजर आते हैं, और आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ रोटी पे। तो वो छितड़े इन पाकिस्तानियों के ख्वाब में नजर आ रहे हैं। इंडिया में रोटी 5 रुपए की मिल रही है, पाकिस्तान में रोटी जो है वो 20 से 25 रुपए की मिल रही है। रोटी मांगने वाले पाकिस्तानियों को एक बुरी खबर मैं और सुना देता हूँ, जरा सुनिए। यूए ने भी पाकिस्तान को एड देने से मना कर दिया, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान कभी भी यूए को, सऊदी अरब को फोन करता था, एक फोन पे पैसा आ जाता था, लेकिन अब उन्होंने कहा, वो भी बिना इंटरेस्ट का, बिना ब्याज का, लेकिन अब सऊदी अरब ने फैसला किया कि हम जिसको भी एड देंगे उससे ब्याज लेंगे, और पाकिस्तान को अगर पैसा चाहिए हमसे तो आप पहले IMF की शर्तों को मानिए। IMF कह रहा है कि पहले हमारी शर्तें पूरी करो। सऊदी अरबिया जो पाकिस्तानियों के लिए दूध का कटोरा हुआ करता था, उसने कहा कि पहले IMF से पैसा लो। अब पाकिस्तान करे तो करे क्या, और ये जाहिल पाकिस्तानी आवाम करना जाती है भारत के 10-12 टुकड़े। तो बिना देर किए सीधा चलते हैं पाकिस्तान। उनको आज रोटी भी सस्ती मिल रही है, उनको हर चीज करने की सहूलियत है, उनको कोई प्रेशर नहीं है इधर के बंदों के साथ। वो आजादी जो है ना, वो ये नहीं कि हम जो है वो वहाँ पे सस्ती रोटी
अगर मिल रही है तो हम अपने आजादी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लें। हम एक हजूम है और हजूम कभी तरक्की नहीं करते। इस मुल्क का कुछ नहीं बनना। पता है कि दो दिन पहले जो है यूएई एक मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने मॉल ऑफ श्रीलंगर उधर ओपन करने की इनॉग्रेशन की है। उसके अलावा जो सऊदी अरब है वो भी कर रहा है, उसके अलावा तुर्की, उनको भी नहीं। ये सिर्फ पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं इनको जुल्म नजर आता है। ये जुल्म नजर नहीं आ रहा कि एक बंदे को 20 रुपए की 25 रुपए की रोटी दे रहे हैं, इससे बड़ा कौन सा जुल्म है? और दुनिया में क्या हो रहा है वो तो बात की बात है, पहले अपनी आवाम का तो सोचिए। वो उनकी अपनी फॉरन पॉलिसी है, उनके कोई मफादात जुड़े होंगे उनके साथ, लेकिन बीएंगा एक वो जो पहले इस्लामी ब्रादर्स एक मुस्लिम कम्युनिटी और ममालिक थे, उनके दिल में एक दर्द था, एक मुसलमान को तकलीफ होती तो सारी दुनिया के मुसलमानों को। आपने जाके ना यूट्यूब पे जरूर वीडियो देखनी है वहाँ पे श्रीनगर के लोगों की, वो कहते हैं जी हमें जिंदगी अच्छी चाहिए, हमें आज़ादी है। नहीं नहीं नहीं, मैं इस चीज़ से बिल्कुल ही मुतफिक नहीं। वो चाहते हैं कि हमें आज़ादी मिले और इंडिया के जो जुल्म वो कर रहे हैं, जो वहाँ पे वो इंडिया के जो तशद्दुद अनासर, उनकी जो तशद्दुद वाली तंजीमें हैं वो उनके ऊपर और उनकी रियासी दहशतगर्दी हो रही है, और ये रियासी दहशतगर्दी की वजह से जो है वो अपनी आज़ादी जो है जदोजहद कर रहे हैं, वो उन्हें किसी भी कीमत पर कोई भी लालच नहीं उनको दिया जा सकता। अच्छा, पता है इंडिया में 5 रुपए की रोटी मिल रही है? सजी वो 5 रुपए की मिल रही है, लेकिन वहाँ पे उनकी इकोनॉमिकली उनका रुपया जो है वो ताकतवर है, हमारा रुपया कमज़ोर है। ये देखिए, ये हमारी इकोनॉमिकल पॉलिसीज की वजह से है। इसका एक ही जवाब है, हाँ नहीं पड़ती है, हमें देनी पड़ती। ज़्यादा गरीब मुल्क है, हमसे ज़्यादा गरीब मुल्क, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। सर जी, हमसे वहाँ पे जाएं, यकीन जाने के वहाँ पे आपको पाकिस्तान से ज़्यादा गुरबत नज़र आएगी वहाँ पे। पाकिस्तान में गुरबत ज़्यादा है, मान जाएं। पानी में असर नहीं है, गुरबत तो हर जगह होती है, इतनी तो हर जगह होती है, इंडिया में भी होगी, लेकिन जो है उसको दबाया गया। इस तरह जिस तरह आप बात कर रहे हैं वहाँ पे बात नहीं कोई कर सकता, वहाँ पे बात मुल्क की बेहतरी के लिए बेहतरी कर रहे हैं ना। ये चीजें नेगेटिविटीज जो उनका मीडिया जो है अपने मुल्क के खिलाफ नहीं फैलाता। बिल्कुल, हम इंशाल्लाह आजाद करवाएंगे कश्मीरी जो है, अपनी जद्दोजहद उनकी रंग लाएगी, उनका खून रंग लाएगा, कुर्बानियां रंग लाएंगी, लेकिन ये है कि वो ठीक है मसाल देनी चाहिए, लेकिन आजादी की कीमत पे नहीं। हम घास खा लेंगे, हम जो मर्जी, हम अपनी आज़ादी और एटॉमिक वेपन्स को जो है, अब ये सारी पॉलिसी जो चल रही है ना, किसी तरह आवाम को जो भूखे और रोटी का कह के उनके उनको कन्विंस किया जाए बाहर की मीडिया को या बाहर की एक चीज से तो हम बचे हुए हैं, अगर इन्होंने उस पर कम्प्रोमाइज कर दिया तो हम बिल्कुल मर जाएंगे। एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ कि आजकल ये जो है सारा ये ऊपर से नीचे मीडिया में भी ये चीज़ें जो है फैलाई जा रही हैं कि आवाम ये कोशिश किसी तरह ये बयानियाँ बनाया जाए कि भाई ये आपकी एटमी सलाहियत जो है इसने आपको क्या करना है, आप भूखे मर रहे हैं, आपको जो है एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही, तो सलाहियत ने क्यों नहीं करना? सर उसी वजह से सेफ है ये देखे ना, वो हमारी आज़ादी की जामन है, ठीक है ना, और हम इस तरह करें फिर बात करें लाएंगे तो फिर उनको भी बेच देंगे। ये बिल्कुल ये है, सिर्फ थोड़ी सी मैनेजमेंट को बेहतर करना है ये इस हवाले से। ये प्रोपेगेंडा जो हो रहा है आजकल रोटी के हवाले से, आज़ादी की बात करना, फिर उसके बाद ये बात करना कि जी ये हम एटमी पावर, मैं एक बात अपना एक बयान है, मैं जो मेरी समझ है ना मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त ये जो सूरत हाल चल रही है कि आवाम को इस तरह बयानियाँ बना के कहा जाए कि भाई एटमी सलाहियत एटम बम मिसाइल ये है, ये आपको किसका रशिया की मिसालें दी जाती हैं कि जी वहाँ पे आवाम को रोटी नहीं मिल रही थी, उन्होंने क्या किया एटमी ताकत को और एटमी मिसाइल और जो भी एटम बम बनाए, तो ये है कि आप अपनी रोटी की इंशाल्लाह रिस्क देने वाला अल्लाह की दात है। आज़ादी हम कश्मीर के लिए ले रहे हैं, ठीक है, 75 सालों से कश्मीर को क्यों आज़ाद करवाओ? सर जी, ये है कि हम इकोनॉमिकली जब स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो फिर वो खुद ही फल पक के हमारी झोली में गिरेगा। ये जो हालात है इसमें कश्मीरी आएंगे पाकिस्तान में? ये जो हालात इधर चल रहे हैं वही कह रहा हूँ, हाँ जी वो आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। पाकिस्तान को थोड़ी सी स्टेबिलिटी और ये इकोनॉमिकली मजबूत करना है, वो ज़रूर आएंगे, और उन्होंने उनका है ही यही है कि हमने पाकिस्तान जो है यूएई वहाँ पे इन्वेस्ट क्यों कर रहा है, हम यूएई क्यों इन्वेस्ट कर रहा है आज़ाद कश्मीर में, मॉल ऑफ श्रीनगर क्यों बना? कभी भी इंडिया के साथ वो नहीं रहने को तैयार हैं, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, और वो अल्टीमेटली इंशाल्लाह उन्होंने एक ना एक दिन पाकिस्तान के साथ मिल हालात में और इंडिया के 7 से 10 के 12 टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंडिया के 12 टुकड़े होंगे। तो इन चचा को करने हैं भारत के 10 से 12 टुकड़े, सुन रहे हो आप, 10 से 12 टुकड़े। तो मेरे प्यारे चचा, भारत के तो टुकड़े करने की तो तुम सपने ही देखते रहो, कहीं तुम्हारे 4 टुकड़े अलग ना हो जाए। सिंधु देश, सिंधु देश, आज बनेगा सिंधु देश।
बांग्लादेश आजादी। कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। सिंधु रोटी का इंतजाम कर लो। देखो एंकर कितना गुस्सा हो रहा है उनके। क्यों हमने सर, हम अपने मुल्क पे सोचे ना, अपने आप को बेहतर करें। उनके टुकड़े करके हमने क्या करना है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये टुकड़े करके हमने क्या करना है? अपने टुकड़े हुए पड़े हमारे बिल्कुल। वो इसलिए इसलिए कि इंशाल्लाह ताला जो इंडिया के अंदर जो है अलहदगी तहरीकें चल रही हैं खालिस्तान के हवाले से, सिखों का रेफरेंडम हो रहा है, सिख भी अलहदा होंगे। चंद सिख खड़े हुए हुए हैं, वो चंद खड़े हुए हैं, 80% सिख ही उनके खिलाफ। वहाँ उनको सिखों को रोटी सस्ती मिले या ना मिले, लेकिन उन्होंने अपनी आज़ादी की कीमत के ऊपर किसी किस्म का ये उन्होंने पर कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो इंशाल्लाह आज़ादी लेके रहेंगे इंडिया से भी, और सिख आज़ादी लेंगे और एक और पाकिस्तान बनेगा इंडिया के अंदर। और ये आप अपनी मेरी बात, पहले पाकिस्तान को संभाल लें हम, पहले अपने पाकिस्तान की बेहतरी कर लें। कि मेरे भाई इस तरह महंगाई जरूर है, लेकिन ये है कि आप कोशिश कर रही है, हुकूमत भी कोशिश कर रही है। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आप पाकिस्तानियों को जितने जूते मार सकते हैं आप मार लीजिए, आपको फुल छूट है। कमेंट सेक्शन आप ही का, इसको भर दीजिए भाई साहब। और एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा बड़ी विनम्रता के साथ में, आपके भाई ने काफ़ी दिन से वीडियो डाला नहीं, उसकी वजह से आपके भाई के एल्गोरिदम की पूरी तरीके से बेण बच चुकी है। और एल्गोरिदम को ऊपर लाने के लिए आप लोगों का थोड़ा सा मुझे सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक तो कीजिए कीजिए, साथ में कहीं पर एक जगह शेयर भी कर दीजिए। कुछ तरीका है भीख मांगने का? आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।